हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही आसान तरीके से कोल्ड स्लीव्स कटिंग स्टिचिंग दिखाऊंगी। ये सबसे आसान तरीका है और आपका जो स्लीव्स है ये आपका एकदम परफेक्ट होगा। तो फिर चलिए देखते हो किस तरह से ये स्लीव्स कटिंग करना है। जैसे हम लोग नॉर्मल स्लीव्स काटते हैं, पहले उसी तरह स्लीव्स का मेजरमेंट लेके नॉर्मल स्लीव्स काट कर लेना है। तो मैं ये फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लिया, उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद आप अपने हिसाब से आपका स्लीव्स का जितना लंबाई है उसी हिसाब से आपको ये मेजरमेंट लेना है। तो मैं देखिए मेरे जो स्लीव्स का लंबाई है ये है 10.5 इंच। तो पहले मैं यहाँ से हाफ ही छोड़ दूँगी सिलाई के लिए नीचे, उसके बाद स्लीव्स का लंबाई लेना है। तो लंबाई मैं 10.5 इंच रखूँगी। ये मैंने 10.5 इंच लिया। उसके बाद सिलाई के लिए हाफ इंच या हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा रख सकते हो। अगर आपका बैक साइड पे नेक डिप छोटा है तब आपको यह हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि नहीं तो ये जो स्लीव्स है ऊपर की तरफ थोड़ा खिंचता है, इसलिए हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा लेने से परफेक्ट होता है। उसके बाद आपका जितना स्लीव्स का चौड़ाई है आपको उसी हिसाब से आपका स्लीव्स का चौड़ाई लेना है। तो मेरे जो स्लीव्स का चौड़ाई है ये 9.5 इंच है, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ 8 इंच है। हमें और भी 1 इंच ऐड करना है। तो मैं पहले ऐसे ही निशाना लगा देती हूँ, लगाने के बाद मैं पूरा मेजरमेंट लेती हूँ। ये स्लीव्स थोड़ा लंबा है इसलिए मुझे यहाँ से 4.5 इंच नीचे की तरफ डाउन करना है। इस तरह से मैंने डाउन किया। अभी इसको इस तरह से मिला लेना है, सभी पॉइंट को मिलाना है। मिलाने के बाद यहाँ से मैं 2.5 इंच रखूँगी, 2.5। उसके बाद ही हमें यहाँ से शेप देना है, इस तरह से ये शेप देना है। तो देखिए मैं बिल्कुल ही नॉर्मल स्लीव्स का मेजरमेंट ले रही हूँ। पहले जैसे नॉर्मल स्लीव्स होता है उसी तरह मैं ये नॉर्मल स्लीव पहले कट करूँगी, उसके बाद ही हमें जो कोल्ड स्लीव्स है वो तैयार करना है। पहले नॉर्मल स्लीव्स काटूँगी। यहाँ से भी हमें थोड़ा फैब्रिक ज्वाइन करना है, क्योंकि ये जो ब्लाउज पीस है हर ब्लाउज पीस पे ऐसे ही होता है, फैब्रिक हमेशा कम होता है, नीचे की साइड से हमें ज्वाइन करना होता है। तो ये काट हो गया। काटने के बाद अभी देखिए ये आस्तीन पे मैंने जो फैब्रिक कम था वहीं पे मैंने अलग फैब्रिक ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करके बिल्कुल बराबर मिला लिया। अभी इसके हिसाब से मैंने पेपर और आस्तर भी काट कर लिया। देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर आस्तीन के हिसाब से मैंने ये पेपर काट किया। अभी इस पेपर को अलग रखना है। तो पहले आपको जो शेप देना है, जो डिजाइन देना है आपको वही पहले देना है। हमें थोड़ा राउंड शेप की तरह इस तरह से घुमा के देना है। इसके लिए पहले मेजरमेंट लेना है। मुझे 2.5 इंच चाहिए चौड़ाई में, लेकिन मैं पहले 2 इंच पर लगाऊंगी, क्योंकि सिलाई के बाद ये 2.5 इंच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद नीचे की तरफ आपको जितना चाहिए, पहले ऊपर की तरफ हाफ इंच यहाँ से छोड़ देना है सिलाई के लिए, हाफ इंच मैंने छोड़ दिया। उसके बाद नीचे की तरफ आप 2.5 या 3 इंच जितना चाहो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, जितना आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पर रखूँगी। उसके बाद आप चाहो तो इसको पहले बॉक्स की तरह बना सकते हो, या बिना बॉक्स के भी आप शेप दे सकते हो। मैं अभी यहाँ पे शेप लगाऊंगी। तो आप अपने हिसाब के, आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पे डिजाइन कीजिएगा, शेप लगाइएगा जैसे आपको अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने ये शेप दे दिया। अभी इसको काट कर लेना है। तो ये मैंने काट कर लिया। अभी देखिए खुल के इस तरह से ये शेप आएगा। अभी ये जो अस्तर है, अस्तर के साथ हमें इसको पहले सील लेना है, बिल्कुल बराबर मिला के सील लेना है। तो ये जो एक्स्ट्रा अस्तर है इसको बाद में काटना है, पहले इस तरह से मिला के पिनअप कर लेने से बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल बराबर रहता है। इस तरह से मैं इसको सिल लूँगी। ये सिलाई हो गया। अभी नीचे का जो मोरी है, मोरी की साइड से भी सिलाई कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से सीधा मिला के ये अस्तर को थोड़ा अंदर मिला के इस तरह से सिलाई लगा लेना है सीधा करके। ये सिलाई हो गया। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा अस्तर है इसको काट कर लेना है। काटने के बाद इसको छोटा छोटा अंदर की साइड से कट लगा के देना है, नहीं तो आपका ये जो आस्तीन है इसका फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद इसको इस तरह से पलट लेना है। तो पलटने के बाद इसको बिल्कुल पहले बराबर से मिला के लेना है। आप चाहो तो पहले थोड़ा आयरन भी कर सकते हो। तो इस तरह से मिला के नीचे की साइड से मुझे पहले सिलाई लगाना है, उसके बाद डिजाइन पे सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे पहले सिलाई लगाना है, बाद में इस पर थोड़ा तुरपाई की तरफ अंदर की साइड से सिल देना है।
तो ऐसे करके मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी। अभी यहाँ पे सिलाई लगाना है जहाँ पे मैंने ये डिजाइन किया था, बिल्कुल किनारे से ये सिलाई लगाना है, बराबर मिलाते हुए ये सिलाई लगाना है। दूसरा स्लिप से भी मैं सेम तरीके से सिल लूँगी। ये सिलाई कंप्लीट हो गया। अभी ये जो पेपर मैंने काट किया था, पहले इसका थोड़ा मिडल पे काट लगा के देना है, मिडल पॉइंट निकाल लेना है। उसके बाद ये जो ब्लाउज़ का आस्तीन है इसको इस तरह से रखना है। रखने के बाद मिडल में से बिल्कुल मिला के इसे पिनअप कर लूँगी। पिनअप करने से अच्छा होता है, बराबर रहता है, हिलता नहीं फैब्रिक। उसके बाद मैं यहाँ से सिलाई लगाऊँगी। तो देखिए उसके बाद किस तरह से इस पर सिलाई लगाना है। देखिए मैं बिल्कुल यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। ये जो अस्तर है, अस्तर को बिल्कुल मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगाना है। धीरे धीरे ये सिलाई लगाना है। मैं पेपर और ब्लाउज़ का फैब्रिक दोनों मिलाते हुए सिलाई लगा दूंगी, पूरा घुमा के ये सिलाई लगा दूंगी। मिडल पे आने के बाद अगर आपको लगता है ये परफेक्ट नहीं हो रहा है, तब इस तरह से आस्तीन को फोल्ड करना है। फोल्ड करके बिल्कुल बराबर मिला के फिर दोबारा से यहाँ से सिलाई लगाना है। ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी फ्रंट साइड पे आर्म होल के लिए थोड़ा शेप देना है। तो ये शेप आपको मिनिमम 0.5 से थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। तो पहले थोड़ा शौक से मैं पॉइंट लगा दूंगी इस तरह से। 0.5 मिनिमम 6 होना है। उसके बाद थोड़ा सिलाई कर लेना है। सिलाई करने से ये जो पेपर और ब्लाउज़ का फेब्रिक ये बिल्कुल बराबर रहेगा, तब तो आपका ये परफेक्ट होगा। तो इस तरह से मैंने इसको सिल लिया। अभी यहाँ से मैं कट लगा दूँगी। इस तरह से मैं इसको कट कर दूँगी। काट करके दोबारा से इसको फिर शेप देना है। ऐसे फोल्ड करके मिला के आपको ये देखना है परफेक्ट है या नहीं। अगर परफेक्ट नहीं है तो थोड़ा काट के इसको शेप देना है बराबर मिला के। इस तरह से मैंने इसको शेप दे दिया। अभी इसको सील लेना है। देखिए बिल्कुल बराबर हुआ है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये है ब्लाउज़ का फैब्रिक, तो बिल्कुल मैं मिडल में से रखूँगी। ये फ्रंट साइड, तो ये मैं फ्रंट साइड के हिसाब से मिला के लूँगी। देखिए ये भी फ्रंट साइड है, तो इसको इस तरह से रखना है। बिल्कुल ये जो शोल्डर है, शोल्डर की जॉइंट से हमें सिलना है। तो ये सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान में रखना है, ये सिलाई आप धीरे धीरे लगाइएगा, नहीं तो आपका जो पेपर है ये ख़राब हो जाएगा। खराब अगर पेपर ख़राब हो गया तो आपका यह आस्तीन परफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से सिलने से आपका जो कोल स्लीव्स है ये बहुत ही ईजिली बन जाता है और परफेक्ट भी होता है। फिटिंग्स भी बहुत अच्छा आता है इसका, इसलिए मैं इस तरह से ये कोट स्लीव तैयार करती हूँ। तो इस तरह से दूसरी साइड भी हमें बिल्कुल मिडल में से सिलाई लगाना है। यहाँ से पूरा मैं इस तरह से सिल के कंप्लीट कर लूँगी। दूसरा आस्तीन भी हमें सेम तरीके से सिल लेना है। ये मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिल्कुल बराबर से ये कोल्ड स्लीव तैयार हो गया है। अभी जो अंदर की साइड से जो पेपर है इसको हटा देना है। इसको इस तरह से अलग कर लेना है, पूरा जो जितना पेपर है पूरा पेपर को अलग कर लेना है। ये देखिए मैंने पूरा पेपर अलग कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अंदर की साइड से यहाँ से अलग पट्टी लगाना है। अलग पट्टी लगा के इसको अंदर की तरह तुरपा कर लेना है। आप चाहो तो इसको इस तरह से डायरेक्ट भी अंदर की साइड से तुरपाई कर सकते हो, फोल्ड करके जिस तरह से नेक पट्टी पे तुरपाई होता है सेम उसी तरह से ये कर सकते हो। उसके बाद सिंपल ब्लाउज की तरह इसको सिल लेना है।
ये देखिए मैंने पूरा ब्लाउज को सिल के पूरा तैयार कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट मेरा कोट स्लीव तैयार हो गया। अभी देखिए मैंने अंदर की साइड से यहाँ पे अलग पुट्टी लगा के तुरपाई कर लिया है इस तरह से। अब देखिए यहाँ से तुरपाई कर लिया, पूरा घुमा के मैंने तुरपाई कर दिया। यहाँ से भी मैंने हल्का सा अंदर की साइड से सिल लिया तुरपाई की तरह। देखिए बाहर से उतना दिखाई नहीं दे रहा है। तो पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरे आज की ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।